दोस्तों, नसों में ब्लॉकेज होना, नसों में कमजोरी आ जाना, नसों में दर्द होना और नस दब जाना आजकल की मेन हेल्थ प्रॉब्लम हो गई है। मोस्टली घरों में ये पाई जाती है। किसी की कमर की नस दब जाती है तो किसी की पैर की नस दब जाती है। जहाँ से नस दब जाती है ना दोस्तों, वहाँ ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है और शरीर का वो हिस्सा धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है और पैरालाइज जैसी सिचुएशन वहाँ बन जाती है। आज मैं ये ऐसा घरेलू नुस्खा लेके आई हूँ, होम रेमेडी लेके आई हूँ, जो नसों से रिलेटेड आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। और इसके अलावा जो आर्थराइटिस से संबंधित प्रॉब्लम है, जैसे घुटनों का दर्द है, कमर दर्द है और यहाँ तक कि गठिया के दर्द को भी ये खत्म करने का काम करेगा। हाई बीपी को कंट्रोल करेगा और जो हमारी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया है उसको भी ये बाहर निकालने का काम करेगा। और ये कब्ज की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है, क्योंकि मेथी दाने में बहुत सारा फाइबर होता है जिसके कारण कब्ज की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। और जिसके कारण जो पेट में गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, अफारा आ जाता है, वो सब भी खत्म हो जाता है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। सभी को नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ नीलम और मेरी किचन शाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने लिया है मेथी दाना। बहुत नॉर्मल चीज है, सबके घरों में पाई जाती है। ये अक्सर हम किचन में खाना बनाते हैं तब यूज करते हैं, खाने का स्वाद बढ़ाने में करते हैं, लेकिन इसके हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिट है। शुगर के पेशेंट के लिए तो ये बिल्कुल रामबाण है। शुगर को ये कंट्रोल करने का काम करता है और जिन लोगों के जोड़ों में दर्द है, आर्थराइटिस के पेशेंट हैं, उनके लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। धीरे धीरे सारे जोड़ों के दर्द को ये खत्म कर देता है। मेथी दाना हमारे मोटापे को कम करता है और ये कब्ज की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है, क्योंकि मेथी दाने में बहुत सारा फाइबर होता है जिसके कारण कब्ज की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। और जिसके कारण जो पेट में गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, अफारा आ जाता है, वो सब भी खत्म हो जाता है। ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बिल्कुल ठीक रखता है। और ये देखिए दोस्तों, दूसरी चीज ली है मैंने दालचीनी। ये जो दालचीनी का पेड़ होता है उसकी ये छाल होती है। अगर दालचीनी की ये छाल ना हो तो आप दालचीनी का पाउडर भी ले सकते हैं। ये दालचीनी भी हमारी बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद होती है। ये जो हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन है उसको तेज कर देती है और जो नसों में थोड़ी बहुत ब्लॉकेज होनी शुरू हो जाती है उसको ये साथ के साथ साफ करने का काम करती है। और जो बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया है उसको भी ये बाहर निकाल देती है, बॉडी को, शरीर को अंदर से बिल्कुल स्वच्छ बना देती है। तो अब मैं बताऊंगी दोस्तों आपको कि हमने इसका यूज कैसे करना है। हम लेंगे एक गिलास पानी, ये नॉर्मल पानी है पीने का, और इसमें हम ये एक चम्मच मेथी दाना डालेंगे। ये बहुत ज्यादा बड़ी चम्मच नहीं है, छोटी चम्मच है। और एक इंच का ये दालचीनी का छोटा ही टुकड़ा है, ये हम इसमें डाल देंगे। और इसको आपने रात को सोते टाइम इस तरह डाल के और ढक के रख देना है। ये काम आपको रात को सोते टाइम करना है। मेथी दाना और दालचीनी को पानी में भिगो देंगे और ढक के हम छोड़ देंगे। और जब आप सुबह देखेंगे 10-12 घंटे बाद, तो ये देखिए ये इस तरह का हो जाएगा। ये मैंने पहले ही भिगो दिया था। आप दोनों गिलासों में डिफरेंस देख लीजिए। ये मेथी देखो फूल गई है और ये पानी का कलर भी हल्का हल्का येलो हो गया है। और ये दूसरा पानी देखिए नॉर्मल वाला ट्रांसपेरेंट है और मेथी भी ऐसे ही अभी फूली नहीं है। तो अब आपने क्या करना है, ये जो हमने मेथी भिगोई थी इसको छान लेना है और इस पानी को आपने खाली पेट सुबह उठते ही पी लेना है। नॉर्मल पानी नहीं पीना, इससे पहले सबसे पहले आपने ये पानी ही पीना है। उसके बाद आप जब अपने नित्य प्रतिदिन के काम से फ्री हो जाएं, पेट साफ हो जाए, तो आपने जो ये मेथी दाना है इसको चबा चबा के खा लेना है। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो आपने ऐसे ही खाना है, और अगर आपको शुगर नहीं है तो आप इसमें एक चम्मच शहद मिला के भी खा सकते हैं ताकि ये आपको कड़वी ना लगे। लेकिन ये भिगोने के बाद ज्यादा कड़वी नहीं रहती, ऐसे भी बहुत आराम से खाई जाती है। और अगर आपके दांत कमजोर हैं तो आप इसे थोड़ा कूट लीजिए, ये बहुत आसानी से कूट जाती है, कटोरी में ही कूट जाएगी, या फिर जो अदरक कूटने वाली ओखली होती है ना उसमें कूट सकते हैं, और कूट के शहद मिला के एक चम्मच और खा लीजिए। आज मैं आपको इसको यूज करने के दो तरीके बताऊंगी दोस्तों। अक्सर होता क्या है, इस पानी को तो हम पी लेते हैं लेकिन ये जब मेथी खाने की बारी आती है ना तो 4-5 दिन बाद हम बस परेशान हो जाते हैं खा के और सोचते हैं बस छोड़ो कुछ नहीं। तो मैं आपको आज एक दूसरा आसान तरीका बताऊंगी, आपको जो तरीका अच्छा लगे वो आप अपना लेना।
हम एक पतीला लेंगे और इसमें डालेंगे ये मेथी वाला पानी और ये जो मेथी दाना है और दालचीनी ये भी इसमें डाल देंगे और इसकी हम चाय बनाएंगे। जैसे चाय बनाते हैं ना वैसे ही उबालेंगे 2-3 मिनट के लिए। अब चाय बना रहे हैं तो हम इसमें थोड़ा अदरक भी डालेंगे। ये देखिए छोटा टुकड़ा है अदरक का और इसमें से भी मैं आधा डालूंगी। जितना एक कप चाय में डालते हैं ना उतना डालना है। ग्रेट करके डाल देंगे ताकि अच्छा फ्लेवर इसमें आए। अगर अदरक ना हो तो दोस्तों जो सौंठ पाउडर होता है ना ड्राई जिंजर पाउडर आप 1/4 चम्मच वो डाल लीजिए। इसको हम 2-3 मिनट के लिए उबालेंगे ताकि सारी चीजों का जो रस है इस पानी में आ जाए। और 2-3 मिनट उबालने के बाद गैस को ऑफ कर देंगे और इसको हम एक गिलास में छान लेंगे। ये हमारी मेथी वाली चाय बनके तैयार है। इसको आपने गरम गरम ही पीना है जैसे चाय पीते हैं ठीक वैसे ही। और इसका ऐसे कोई रूल नहीं है, आप सुबह सुबह पिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर दिन में पीना चाहें तो दिन में भी आप पी सकते हैं। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो ऐसे ही पी लीजिए और अगर आपको शुगर नहीं है तो आप इसमें 1 चम्मच शहद मिला लीजिए। शहद भी हमारे शरीर को ताकत देता है, इम्यूनिटी को ये बूस्ट करता है और इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। तो इस तरह आप इसे तैयार कीजिए और पी लीजिए। अब मैं बताऊंगी ये आपको लेना कितने दिन है। ये मेथी का पानी आप कम से कम 15-20 दिन जरूर पीजिए और बीच में गैप करके दोबारा से शुरू कर लीजिए। ये जो घरेलू नुस्खे होते हैं ना दोस्तों ये बहुत फायदेमंद होते हैं और इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। लेकिन ये एलोपैथिक की दवाई नहीं है कि एक दिन में ही आपको आराम महसूस कराएंगी। ये आपको 15-20 दिन 1 महीना लेनी पड़ती है तब इसका असर आपको दिखाई देता है। अगर आप इस नुस्खे को 15-20 दिन अपनाते हैं तो आपकी नसों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, नसों में ब्लॉकेज है, नसों में दर्द है, पैरों में सूजन है, वो सब खत्म हो जाएगी। बीपी को भी ये कंट्रोल करेगी और जो बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया है उसको भी ये बाहर निकाल देगी और कब्ज की प्रॉब्लम को भी ये सॉल्व कर देती है। और जो ज्वाइंट पेन होता है, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया का दर्द, धीरे धीरे बिल्कुल खत्म कर देती है दोस्तों। ये हमने घर में यूज की हुई रेमेडी है दोस्तों, बहुत बार हमने यूज कर रखी है, बहुत फायदेमंद है ये। और इस रेमेडी के साथ दोस्तों आप अगर सैर भी कर लें और 3-4 मिनट के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कर लें तो बिल्कुल सोने पे सुहागा हो जाएगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है और जो नसों में थोड़ी बहुत ब्लॉकेज होती है उसको वो साथ बहा ले जाता है। आज की जानकारी इतनी ही थी दोस्तों। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करना और रेमेडी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि और लोग भी इसका फायदा उठा सके। आजकल बहुत सारे लोगों को इन चीजों की जरूरत है हेल्दी रहने के लिए। अगर आपको आज की रेमेडी पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं इसी तरह की एक और यूजफुल रेमेडी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।